जाएं तो जाएं कहां, कराची की अहम सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। आईआई चंद्रीगढ़ रोड, पीआईडीसी, तिब्बत सेंटर, जामा क्लॉथ और आसपास के इलाकों में गाड़ियां बम्पर टू बम्पर, एम्बुलेंसें भी ट्रैफिक जैम में फंस के रह गई। चार रोज बाद खुला है शहर तो इसीलिए दबाव है, ट्रैफिक पुलिस की मंतिक। मैं तो स्पार्को से दरखास्त करूंगा कि बजाय इधर के कोई साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये दो चार हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। शरपसंदों को नहीं छोड़ सकते, मसला हल करना होगा। ये नहीं हो सकता जो चाहे इस्लामाबाद या लाहौर बंद करा दे, फवाद चौधरी ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। वजीर आजम के दौरे चीन पर भी मीडिया को ब्रीफिंग, कहा चीन ने पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा दे दिया। मौलाना समीउल हक के कत्ल की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। बेटे हामिदुल हक का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, शहरयार आफरीदी कहते हैं कत्ल की तहकीकात सही समत में जारी है, वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर तहकीकात आगे बढ़ा रहे हैं। एनओसी मिला नहीं और सबसे बड़े फिश फार्म का इफ्तिताह हो गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 एकड़ पर फैले फिश फार्म का फीता पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने काटा। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी शरीक हुए। जहांगीर तरीन कहते हैं फिश फार्म को एक हफ्ते में एनओसी मिल जाएगा। आपके बालों पे